हूबहू तो अली जैसा है ही। मैंने जफरवाल की सरजमीन पर ये जुमला बोला, 80 साल का बूढ़ा मैं हुसैन पढ़ रहा था, वो कहता है जी ये दीन जमा को कहता है किबला साहब मौला गाजी सुन रहे। मैंने कहा तुमने सुन रखा है, गाजी का चेहरा अली जैसा है, गाजी की आंखें अली जैसे हैं, गाजी का चेहरा अली जैसा है, जरा ईमान से बताओ अली का चेहरा किस जैसा है। किबला साहब ने बहुत बड़ा लफ्ज बोला है कि जनाब अब्बास अलैहि सलातो व सलाम को सैयद जो लोग नहीं मानते, जो सैयद हैं फातिमी सदात हैं वो तो कभी भी इसको जुटलाएंगे नहीं कि जनाब अब्बास अलैहि सलातो व सलाम सैयद नहीं है। जो ऐरे गैरे हैं, जो नकली हैं, जो जाली सदात हैं, वो जनाब अब्बास अलैहि सलातो व सलाम को सैयद नहीं मानते। मेरे सामने सैयद फैजान इजवी साहब बैठे हुए हैं और सैयद अख्तर नकवी साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, सैयद जहाद कालमी साहब बैठे हैं, सैयद सकलैन नकवी शाह साहब बैठे हुए हैं, ये सब असली सैयद हैं, जनाबे सैयदा फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद हैं, ये जनाबे अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयद मानते हैं। जो नकली तेली जो है, जो तेली उठ के नकवी बने हैं, वो जो जनाबे अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयद नहीं मानते, क्योंकि जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया फरजंदे जहरा है जनाबे अब्बास, जनाबे सैयदा का बेटा है जनाबे अब्बास। जो लोग जनाबे अब्बास को सैयद नहीं मानते, वो जनाबे सैयदा फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा के फरमान को जुटला रहे हैं। बोलो बोलो सैयद सरदार कलंदर। सैयद शबाज़ शाह जी ने बड़ी प्यारी बात की, मैं इनकी बात का जवाब देने लगा। मौला सज्जाद के सामने इमाम इब्ने इमाम है, अबुल आमा है, इमाम सज्जाद।